मॉर्निंग एवरी वन, वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने पाठ 9 नानी का पत्र पढ़ा था। आज इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौखिक दक्षता। 1 का क सूर्य के बारे में कौन जानना चाहती है? आंसर है, मीन्स उत्तर, सूर्य के बारे में आशु जानना चाहती है। 1 का ख, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? उत्तर है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। 1 का ग, आजकल कितने ग्रह माने जाते हैं? उत्तर है, आजकल 8 ग्रह माने जाते हैं। 1 का घ, सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? उत्तर है, सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। क्वेश्चन नंबर 2, लिखित दक्षता। 2 का क, सूर्य कहाँ पर स्थित है? आंसर मीन्स उत्तर है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। 2 का ख, सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? उत्तर है, सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी लगभग 14,96,00,000 किलोमीटर है, मीन्स 14,96,00,000 किलोमीटर। सूर्य में क्या दिखाई पड़ता है? उत्तर है, सूर्य में छोटे बड़े धब्बे दिखाई पड़ते हैं। 2 का घ, सूर्य कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तर है, सूर्य अपने व्यास से लगभग 13,90,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, मीन्स 13,90,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो पृथ्वी से लगभग 109 टाइम्स अधिक है, मीन्स ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। 3 का क, पृथ्वी और अन्य ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं? ऑप्शंस दिए हैं, आकाश के, सूर्य के या बाघ के। सही उत्तर है, सूर्य के, मीन्स पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। 3 का ख, सूर्य किससे बना है? आग से, पानी से या गैसों से? सही उत्तर है, गैसों से, मीन्स सूर्य गैसों से मिलकर बना है। चंद्रमा और तारे किससे प्रकाश लेते हैं? ऑप्शंस हैं, सूर्य से, दीपक से, किसी से नहीं। सही उत्तर है, सूर्य से। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शंस हैं, 8 मिनट 10 सेकेंड, 8 मिनट 30 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड। सही उत्तर है, 8 मिनट 20 सेकेंड। सही शब्द लिखकर खाली स्थान भरिए। शब्द दिए गए हैं, ऊर्जा, स्वयं, तारा और सौरमंडल। 4 का क, सूर्य भी एक है, डैश में लिखा हुआ है, डॉट डॉट के में तारा, मीन्स इसमें तारा भरा गया है। सही शब्द इसमें तारा होगा, इसलिए सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट, 4 का ख, सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है, इसमें स्वयं भरा गया है। 4 का ग, सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, इसमें सौरमंडल भरा गया है। 4 का घ, सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है, इसमें ऊर्जा भरा गया है। इस प्रकार से यह इस पाठ का क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हुआ। थैंक यू।